हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों 23 मार्च 2023 को आईबी की तरफ से एमटीएस एंड सिक्योरिटी असिस्टेंट का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था और आज के पहले शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको आज के पहले शिफ्ट में पूछे गए जीके के सभी क्वेश्चन का रियल सोल्यूशन करवाने वाला हूँ। इसके अलावा बाकी के सब्जेक्ट के क्या लेवल रहे थे और आज के पेपर में क्या सेफ अटेम्प्ट रहने वाला है वो कम्प्लीट डिटेल्स दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और जितने भी नए कैंडिडेट अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप डेली इसी तरह की एनालिसिस वीडियो देखना चाहते हैं तो एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ में स्थित है? दोस्तों यह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था, तो देखिए इब्राहिम खान लोदी का मकबरा पानीपत नगर निगम के द्वारा बनाया गया है, एक पार्क में स्थित है। यह मकबरा सूफी संत बू अली शाह की दरगाह के करीब तहसील कार्यालय के पास में स्थित है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि 21 अप्रैल 1526 को मुगल सम्राट बाबर के खिलाफ लड़ते हुए पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी हार गए थे और वे वहीं पर मारे गए थे। तो ये था आपका आज का पहला क्वेश्चन। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी होगी? दोस्तों देखिए बिहार में जो पुरुष हैं उनकी साक्षरता दर है 73.39% और महिला की साक्षरता दर है 53.33%। अगर मैं दोस्तों बात करूं राष्ट्रीय औसत से तो काफ़ी कम है। यहां पर आप देखोगे तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का कुल साक्षरता दर 63.82% है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था, थॉमस अल्वा एडिसन किस देश के वैज्ञानिक हैं? दोस्तों अमेरिका के महान वैज्ञानिक हैं थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने अपने दम पर 1093 पेटेंट अपने नाम में करवाए हैं, जिनमें से दोस्तों सबसे मुख्य जो आविष्कार उनका रहा है वो है इलेक्ट्रिक बल्ब का। आपको मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने से पहले अल्वा एडिसन इसके प्रयोग में लगभग 10,000 बार फेल हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी हार नहीं मानी और फाइनली बल्ब का आविष्कार कर दिया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मौलिक अधिकार यानी कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किस देश से लिया गया है? दोस्तों मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के मुख्य विशेषताओं के रूप में से एक है और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के संविधान से लिया गया है। दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के बीच में आता है और अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो कोई भी व्यक्ति आर्टिकल 32 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट में जाकर रिट दायर कर सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी इनमें से कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों यह जो कुचिपुड़ी है यह आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। इस नृत्य का नाम कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गांव के नाम पर पड़ा है और जहां के ब्राह्मण मुख्य रूप से इसका नृत्य करते थे। इसके बाद पूछा गया दोस्तों कि कपड़ा मंत्री कौन है? तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि स्मृति जुबिन ईरानी वे वर्तमान में कपड़ा मंत्री हैं और वे एक भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री भी हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 61वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है? दोस्तों जब 61वां संविधान संशोधन हुआ था तो इसका यहाँ पर जो मतदान का उम्र है वो 21 से कम करके 18 कर दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1989 के द्वारा लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की आयु को कम कर दिया गया। पहले यह 21 वर्ष था, बाद में 61वें संविधान संशोधन के तहत इसे घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? दोस्तों हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने गुजरात के मेहसाणा जिले के एक गांव मोढ़ेरा को भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों मोढ़ेरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? दोस्तों पश्चिम से सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ काबुल तथा कुरेम नदियाँ हैं। अगर मैं पूर्व की बात करूं तो पूर्व से 5 मुख्य सहायक नदियां हैं, जिनमें से झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज है। यहां पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सिंधु प्रणाली की जितनी भी नदियां होती है ना यह 12 मासी होती है,
यानी कि साल के 12 महीने इसमें पानी पाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुलकेसिन द्वितीय किस वंश के शासक थे? दोस्तों आपको मैं बता दूं कि पुलकेसिन द्वितीय चालुक वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, जिन्होंने 610 से लेकर 642 सीई तक शासन किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक का वाद्य यंत्र कौन सा है? अब दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या क्या दिया गया था ये मुझे नहीं मिल पाया है, इस वजह से एग्जैक्ट आंसर नहीं बता पाऊंगा। अगर आपने आज के फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दिया होगा तो आप एक बार कमेंट करके बता देना कि इस क्वेश्चन में ऑप्शंस क्या क्या दिए गए थे और करेक्ट ऑप्शन क्या था, वो भी आप साथ में कमेंट कर देना। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, खेड़ा सत्याग्रह कहां से कहां तक चला था? दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह राष्ट्रपति महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में और इसी के बाद से 1918 में महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह शुरू किया, जो कि गुजरात में है। और इसमें दोस्तों किसान अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन शुरू किए थे, जिसमें महात्मा गांधी ने उनका साथ दिया था। दोस्तों यह जो खेड़ा सत्याग्रह है, गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों का अंग्रेज की कर वसूली के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। इसके बाद अगला क्वेश्चन, जोहर कप टूर्नामेंट कहां पर होगा? अब यहां पर ईयर के बारे में नहीं दिया गया है, इस वजह से मैं इस क्वेश्चन का भी एग्जैक्ट आंसर आप सभी को नहीं बता सकता। अगर आपने ये क्वेश्चन बनाया है तो आप एक बार कमेंट करके बता देना। इसके बाद पूछा गया था दोस्तों कि हाल ही में बैडमिंटन में स्वर्ण पदक कौन से भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों लक्ष्य सेन। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में बैडमिंटन में लक्ष्य सेन ने मलेशियाई शटलर को हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। और इसके अलावा दोस्तों भारत के सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी में अपना स्थान हासिल कर लिया है। सो गाइज, ये था कुछ जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज के पहले शिफ्ट में पूछे गए थे। इसके अलावा मैथ्स के जो भी क्वेश्चन आज के एग्जाम में आए हैं उसका सॉल्यूशन मैं आपको आज इसी चैनल पर शाम तक करवा दूंगा। सो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब मैं मैथ्स एनालिसिस का वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच जाए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप आज के पूछे गए इन सारे क्वेश्चन का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF आप मेरे वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना। वेबसाइट का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो गाइज, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों फिर से नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।